हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी सही होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हमें ब्लड के बारे में बताएंगे और आज का जो हमारा लेक्चर है वो कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी अलग अलग टाइप के जो एग्जाम्स की हम बात करते हैं उन सभी एग्जाम्स के केस में यहाँ ब्लड टॉपिक से क्वेश्चन जरूर से भी जरूर आता है, या जो लोअर लेवल के टेस्ट होते हैं वहां तो बिल्कुल ही क्वेश्चन आता है। इसके साथ साथ हम बात करें, अगर हम एजुकेशनल स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो 8th टू 12th क्लास स्टडी करते हैं, उनकी क्लासेस के अंदर भी साइंस में ये ब्लड जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस ही रखता है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लंबा होगा बच्चे, इसलिए आप इस लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से सुने क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ ज्यादा लंबा नहीं होगा, हमारे नॉर्मल लेक्चर से थोड़ा सा 5-7 मिनट ही ज्यादा होगा। और मैं आपको ये कहूंगा कि इस लेक्चर को आप पूरा का पूरा देखें क्योंकि ये लेक्चर हमारे लिए सो इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर की वेटेज हमारे बहुत सारे जो डेली मतलब पॉइंट्स होते हैं, यानी यू नो कि ब्लड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको इस लेक्चर के अंदर मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो ब्लड है, तो ब्लड के बारे में हम आज अपने इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है, इस पॉइंट के अंदर हमारे पास ब्लड की डेफिनेशन है, मतलब ब्लड को यानी रक्त को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। क्या है भाई रक्त? इट इज ए फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, यानी बॉडी के अंदर एक बहता हुआ जो बहता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ऐसा एक कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, इसलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू के नाम से बोलते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्कवरी एंड व्हेन, यानी ब्लड जो है हमारे पास कब डिस्कवर किया और इसको किसने डिस्कवर किया। इंग्लिश फिजिशियन यानी डॉक्टर, इंग्लैंड के डॉक्टर है, दैट इज नोन एज द विलियम हार्वे इन 1628। यानी यहां हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट विलियम हार्वे, यानी हमारे पास ब्लड के ऊपर यहां से हु डिस्कवर ब्लड। तो ऐसे में हमारे पास क्वेश्चन आ सकता, चार ऑप्शन आए आपके पास, विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर, मेंडल या कोई भी और लैमार्क आ गया। तो आपको पता है विलियम से हार्वे ने ब्लड को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया, जबकि लैंडस्टीनर जो है वो भी ब्लड से ही रिगार्डेड है। उन्होंने ब्लड के अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी डी एच, बी ए बी ए बी ओ, जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनको स्टडी किया, मतलब सबसे पहले वहां पर उन्होंने ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया कि उन्होंने कार्ल लैंडस्टीनर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड द हेमेटोलॉजी, ब्लड की जो स्टडी करते हैं रक्त के बारे में जो स्टडी करता है उसको हमें हेमेटोलॉजी के नाम से बोलते हैं। देन अमाउंट ऑफ ब्लड इन बॉडी, किसी भी पर्सन के अंदर जो अमाउंट होती है ब्लड की वो कितनी होती है, एवरेज से एक पर्सन जो होता है उसकी बॉडी के अंदर 6.8 लीटर ब्लड होता है भाई। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 6.8 लीटर ब्लड इन ए हेल्दी पर्सन। उसके अलावा अगर हम और बात करते हैं तो ब्लड जो होता है वो बॉडी के वेट पे डिपेंड करता है। अब उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट है 6-10% ऑफ द बॉडी वेट, किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर जो वेट होता है उसका 6-10% जो वेट होता है बॉडी का वो ब्लड होता है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं कि ब्लड दिखाई कैसा देता है भाई, इसमें हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ब्लड जो होता है वो ओपेक होता है, तीन तरीके के सब्सटेंस होते हैं,
एक ट्रांसपेरेंट होता है, एक ट्रांसल्यूसेंट होता है और एक ओपेक होता है, पारदर्शी पारभासी, ठीक है ना, इस तरीके से होते हैं। मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, ट्रांसल्यूसेंट मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके, ओपेक जिसको हम धुंधला बोलते हैं तरीके से, और ये फ्लूइड्स है जिसका ओरिजिन अगर हम बात करते तो कहां से हुआ है भाई, ब्लड जो होता है मेजोडर्मल टिश्यू है। इट्स मींस हमारा जब ओरिजिन होता है, हम जब डेवलप होते हैं तो उसमें हमारी बॉडी के जितने भी उत्तक होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनकी फॉर्मेशन जो होती है वो सब कहां से होती है, डिफरेंट टाइप्स की जो बॉडी के अंदर तीन मेन लेयर्स होती हैं, जिसमें एक्ट्रोड्रम, मेजोड्रम, एंडोड्रम होती है। तो ब्लड यहां कहां से बनता है, मेजोड्रम से बनता है। तो ब्लड की फॉर्मेशन मेजोड्रम से होती है। अब उसके साथ साथ देखिए ब्लड कैसा है, स्टिकी होता है। ग्रेविटी अगर ब्लड की बात करते हैं तो वो थोड़ी सी वाटर से ज्यादा होती है, 1.06 होती है भाई। अगर इसकी टेस्ट की बात की जाए तो माइल्ड, थोड़ा सा एक तरीके से अल्कलाइन होता है, और ब्लड की जो पीएच होती है, अगर हम पीएच की बात करें, ग्रेविटी की बात करें या फिर कलर की ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो इन तीनों पॉइंट्स पे क्वेश्चन बन सकता है, ओपेक, ग्रेविटी की बात और ये हमारे पास पीएच। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। अगर बॉडी के अंदर ब्लड किस तरीके से मिलता है, कैसा मिलता है, तो दो तरीके से, ब्राइट रेड जिसको ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, और पर्पलिश जो कलर का होता है उसको डीऑक्सीजनेटेड, मींस इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और यहाँ पर होती है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा, इसको बोलते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है यहाँ पर, इसमें हमारे पास क्या चीज है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड जो है, रक्त जो है वो किस किस से मिलकर बना होता है भाई। रक्त में मेन चार पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारे पास होता है ब्लड प्लाज्मा, यानी ब्लड के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम ब्लड प्लाज्मा के नाम से बोलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है आरबीसी, ये जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है भाई, इसको हम बोलते हैं आरबीसी। आप सभी ने सुना होगा आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं। उसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास है डब्ल्यूबीसी, इसका मतलब क्या है, डब्ल्यूबीसी मींस व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इसका मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं। उसके साथ साथ हमारे पास है ब्लड प्लेटलेट्स, इट्स मींस ब्लड प्लेटलेट्स जो पार्ट है इसको हम किसके नाम से बोलते हैं, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं रक्त बिंबाणु। हिंदी में ब्लड प्लेटलेट्स को हम रक्त बिंबाणु के नाम से बोल सकते हैं। तो हमारे पास इस फर्स्ट स्लाइड के अंदर आज ये टॉपिक है, नेक्स्ट स्लाइड हम रखते हैं आपके सामने। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा है स्टूडेंट्स, तो इसको बड़ी ध्यान से समझें आप। सेकंड स्लाइड के अंदर स्टूडेंट्स देखिए क्या है, मैंने आपको कहा कि ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है, बट ये लेक्चर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप बड़ा ना देखें, इम्पोर्टेंस ही देखें इसकी। तो हमारे पास सेकंड स्लाइड में है जो कंपोजिशन की हमने बात की थी, कि ब्लड के चार मेन पार्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट है। तो उसमें से हम कंपोजिशन को एक्सप्लेन करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास कंपोजिशन में जो पार्ट है वो है ब्लड प्लाज्मा। देखिए ब्लड प्लाज्मा जो दिखाई देता है, अगर हम उसको ब्लड से सेपरेट कर ले, बाकी कंपोनेंट सेपरेट करके, तो वो कैसा दिखाई देता है, फेंट येलो, स्लाइटली एल्कलाइन और विस्कस फ्लूइड की फॉर्म में दिखाई देता है। देन अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब किस किस से मिलकर ये बनता है, तो हमारे पास यहाँ कंपोजिशन में इसमें 90% तो वाटर होता है,
7-8% जो प्रोटीन्स होती हैं ब्लड के अंदर, अलग अलग टाइप की एल्ब्यूमिन्स होते हैं, हीमोग्लोबिन्स होती है, एंटीकोगुलेंट्स प्रोटीन होती है, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स, जितना भी पार्ट प्रेजेंट होता है वो प्रोटीनियस पार्ट इसमें 7-8% होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साल्ट 1% एंड अदर कंपोनेंट्स, मतलब दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, फूड है, गैसेज हैं, वो सिंगल मतलब 1% ही प्रेजेंट होती हैं। अब अगर यहाँ फंक्शन की बात करते हैं हम इस कंपोनेंट्स के, कि ये प्लाज्मा जो है वो कैसे हेल्प करता है, आपको हमने बताया कि प्लाज्मा जो होता है विस्कस फ्लूइड होता है, फ्लूइड तो इसके पास फ्लूइडिटी होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह सब्सटेंस जो उसमें प्रेजेंट होते हैं जिसमें प्रोटीन साल्ट जो भी पार्ट्स हैं वो एक जगह से उसको दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। तो मतलब इसके पास फ्लूइडिटी है, उसके बेस के ऊपर ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के जो कंपोनेंट्स है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, ये तीनों पार्ट जो हमारे पास है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट आप जब भी किसी मेडिकल रिपोर्ट की बात करते हैं, ब्लड की रिपोर्ट्स को स्टडी करने की बात करते हैं, तो वहां पर ये सब चीजें लिखी होती हैं। तो उसके बेस के ऊपर आप देखिए क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है नॉर्मल ब्लड शुगर, यानी ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल होता है वो कितना होता है। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आप देखिए जो ब्लड का शुगर की हम बात करते हैं वो कब मेजर की जाती है, जब हमने अभी खाना खाया है मान लीजिए सपोज कीजिए, और 12 घंटे बाद हम उस शुगर को मेजर करते हैं, तो 12 आवर्स का ये टाइम है हमारे पास, और उसमें कितनी अमाउंट हमारी बॉडी में जरूरी है। अगर 80-100 माइक्रोग्राम्स शुगर है किसमें, 100 ml ब्लड के अंदर, तो हम नॉर्मल सिचुएशन में है, ठीक है ना। 80-100 माइक्रोग्राम्स ऑफ शुगर इन 100 ml ब्लड। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अगर यही शुगर भाई इंक्रीज हो जाती है कहां तक, इस लेवल तक, समझ गए ना, 180 तक भी हम ठीक रह सकते हैं, लेकिन 180 प्लस अगर वो हो जाती है तो प्रॉब्लम्स है हमें उस पर्सन को, किसकी, डायबिटीज मलाइटस, यानी शुगर की प्रॉब्लम, उसको डायबिटीज होगी है। डायबिटीज के लिए जो साइंटिफिक टर्म यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इट्स मींस हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा हो गया है इसलिए इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अगर अमाउंट लेस हो जाती है कहां से, 80 माइक्रोग्राम्स जो हमारे पास है उसके बेस के ऊपर अगर कम हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मीन्स रेयर, लेस, ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल जो है उससे कम हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या पार्ट है भाई, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैट का लेवल जो होता है ब्लड के अंदर अगर नॉर्मल सिचुएशंस की बात करते हैं तो वो कितना होता है, 50-80 माइक्रोग्राम पर 100 ml ब्लड। आप ये जो हमारे पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप इन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से याद करें, किसी भी हमें मेडिकल रिपोर्ट जो ब्लड से रिगार्डेड है उसको चेक करते हैं तो ये सब लेवल्स हमारे पास वहां मिलते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है नॉर्मल हीमोग्लोबिन पिगमेंट। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में मदद करने वाली पिगमेंट होती है उसका लेवल कितना होता है, ये मेल और फीमेल में सेपरेट होता है भाई, मेल के अंदर वो कितनी होती है, ठीक है ना, कितनी होती है भाई, 40-60 ग्राम्स पर 100 ml, और फीमेल्स के अंदर कितनी होती है, 12-14 ग्राम्स पर 100 ml ब्लड। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जब भी हम बोलते हैं तो हमारा सिस्टम जो होता है कहने का वो अलग होता है। हम आपको जो बता रहे हैं कि नॉर्मल पर्सन इस चीज को बोलते हैं कि बॉडी के अंदर तो 10 ग्राम खून है, ये गलत वर्डिंग है। आप इसकी जगह बोल सकते हैं कि बॉडी के अंदर 10 ग्राम 100 ml ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, यानी 100 ग्राम
100 ml ब्लड के अंदर हम हीमोग्लोबिन का कंटेंट देखते हैं टोटल बॉडी के अंदर, तो फिर आप टोटल ब्लड की अमाउंट के साथ उसको मल्टीप्लीकेशन करके उसको फाइंड कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। तो ये तो हमारे पास प्लाज्मा पार्ट। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है आरबीसी बेस्ड, यानी आरबीसी के बारे में हम आपको उसमें इंफॉर्मेशन देंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारी जो ये थर्ड स्लाइड है, इस स्लाइड को आप देखिए, इसमें बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, मतलब जो डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है आरबीसी, यानी जिसको हमें रेड ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं। तो सबसे पहली बात यह है कि इसका कलर रेड क्यों है, लाल ही क्यों है, क्यों है इसका कलर, क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट होती है, जिस पिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन के नाम से बोलते हैं। तो ब्लड का जो कलर रेड होता है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट का ऑक्सीजन के साथ जुड़ने से उसका कलर रेड बन जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें शेप है, आरबीसी जो हमारे पास होती है हमारे ब्लड में होती है वो सर्कुलर शेप की होती है, बाइकनकेव शेप की होती है और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, मतलब जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। अगर हम इसकी शेप बनाए ना तो ये देखिए कनकेव लेंस जो होता है, कनकेव लेंस को ही हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और ये बाइकनकेव, इधर भी कनकेव इधर भी कनकेव, सो इट इज कॉल्ड द बाइकनकेव, इसलिए हम किसके नाम से बोलते हैं, बाइकनकेव के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है साइज, आरबीसी का जो साइज होता है 7 to 8 micrometer इन डायामीटर एंड 2 micrometer इन थिकनेस ऑन रिम। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए ये हमारे पास आरबीसी का हमने डायग्राम बनाया, इसमें आरबीसी की जो डायामीटर्स है वो कितना 7 to 8 micrometer और थिकनेस, ये जो रिम पार्ट प्रेजेंट होते हैं, यहाँ की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें इसकी थिकनेस जो होती है वो कितनी होती है 2 micrometer। देन उसके बाद नंबर की बात करते हैं तो नंबर में कितना है 4.5 to 5.5 million। देखिए ये जो यूनिट है इसको देखिए मिलीमीटर क्यूबिक, यानी मिलीमीटर का जो क्यूबिक मिलीमीटर होता है, चारों तरफ जो मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है एक मिलीमीटर, उसमें मेजर करते हैं आरबीसी को। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी की फॉर्मेशन की बात अगर हम करते हैं तो आरबीसी की फॉर्मेशन कहां पर होती है और क्या बोलते हैं आरबीसी की फॉर्मेशन को। आरबीसी जो होती है उसकी फॉर्मेशन को हमें आर्थ्रोपोइसिस के नाम से बोलते हैं, इसके प्रोसेस को हम क्या कहते हैं आर्थ्रोपोइसिस। और आरबीसी की फॉर्मेशन कहां पर होती है भाई, बोन मैरो में होती है, स्प्लिन में होती है और लीवर में होती है। देखिए बोन मैरो का मतलब होता है जो हमारी हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है, अंदर खाली हड्डियां होती हैं जो, उसमें रेड पल्पी रीजन होता है और वो रेड पल्पी रीजन ही बोन मैरो कहलाता है। स्प्लिन ये हमारी बॉडी के अंदर एक सॉल्टर हाउस के नाम से भी बोलते हैं, जहां पर रेड ब्लड सेल्स इकट्ठी होती हैं बनती हैं। लीवर यकृत। अब यहां से भी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, लाइफ स्पेन, आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 दिन तक होता है, मतलब एवरेज तो हम ये कह सकते हैं 3 to 4 months, ठीक है ना, 3 to 4 months का टाइम हो सकता है लाइफ स्पेन में हम इसको इंक्लूड करते हैं, 3 to 4 months का टाइम। देन उसके बाद हमारे पास है डब्ल्यूबीसी, इट मींस व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स,
ये व्हाइट क्यों होती है? बिकॉज दे आर कलरलेस। ये कैसी है भाई? कलरलेस, श्वेत रक्त कणिकाएं के नाम से हम इसको बोल सकते हैं। अगर इसकी शेप की बात करते हैं तो शेप में हमारे पास ये कैसी है? राउंडेड है, इरेगुलर शेप की है। राउंडेड और इरेगुलर शेप की प्रेजेंट होती है, कोई फिक्स शेप नहीं है। साइज की अगर हम बात करें तो ये आरबीसी के कंपैरिजन में बड़ी है। ये आरबीसी का साइज, ये डब्ल्यूबीसी का साइज देखिए, 12 टू 20 माइक्रोमीटर, यहाँ 7 टू 8 माइक्रोमीटर डायमीटर। और नंबर की बात करते हैं, देखिए ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इसका नंबर 5000 से लेकर 10000 मिलीमीटर क्यूबिक जो स्क्वायर बना हुआ है उसके बेस के ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पर जो नंबर है देखिए, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मायने रखती है, ये भी रखती है, ये नंबर पे रखती है। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब है कि ये जो पेज आपके सामने है, इस पेज पे बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। लास्ट वन पेज भी हमारे पास प्रेजेंट है, सबसे लास्ट पेज हम आपको दिखाते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो देखिए उसमें क्या है बच्चे, ये हमारी सबसे लास्ट स्लाइड है और इस स्लाइड में देखिए क्या चीज है। अगर हम डब्ल्यूबीसी की जो बात हम कर रहे थे उसके लाइफ स्पेन की बात करते हैं, टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो 3 to 4 डेज ही वो लिविंग रहती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। अगर कभी आप ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट चेक करते हैं तो उसमें ये सब चीजें लिखी होती हैं कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी दो टाइप की होती है, ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। फिर से वो सेल्स जो है अलग अलग टाइप की हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स को मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स को बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स के नाम से बोलते हैं। इन सभी को हम जब डब्ल्यूबीसी टेस्ट करते हैं तो इनको सेपरेट कर लेते हैं, ये डिफरेंट कैटेगरीज में सेपरेट हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स के केस में देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो है उसमें हमारे पास है शेप, शेप ऑफ प्लेटलेट्स। ओवल शेप होती है, डिस्क लाइक होते हैं, ओवल और डिस्क लाइक शेप। इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास है भाई साइज ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। यहाँ पर अगर हम साइज की बात करते हैं तो बच्चे इसमें हमारे पास क्या है, 2 और 5 माइक्रोमीटर उसका साइज है। अलग अलग साइज हमने लिखा था, आप देखिए सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी थी, देन आरबीसी, अब प्लेटलेट सबसे छोटे हुए। देन नंबर की बात करते हैं तो प्लेटलेट्स नॉर्मली ये देखिए लगभग 2,50,000 तक एक मिलीमीटर जो क्यूबिक पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी इनका नंबर जो है आरबीसी से कम होता है लेकिन डब्ल्यूबीसी से ज्यादा होता है। और ये जो नंबर होता है ये वेरी करता है 24 आवर्स में, यानी मॉर्निंग टाइम पे इनका नंबर ज्यादा होता है और इवनिंग टाइम पे इनका नंबर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। देन उसके बाद देखिए फॉर्मेशन कहाँ होती है, बोन मैरो। डिफरेंट ब्लड के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो सभी बोन मैरो में ही बनते हैं, ठीक है, प्लाज्मा को छोड़कर। देन उसके बाद है लाइफ स्पेन। यहाँ पर लाइफ स्पेन में कितना है, 3 to 7 डेज, यहाँ लाइफ स्पेन में 3 to 4 डेज। और अगर हमें आरबीसी की बात करते तो वहां पर 120 डेज हमने काउंट किए थे। ब्लड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है भाई, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिवर ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ के लिए जो भी सब्सटेंस रिक्वायर्ड होते हैं वो सब ब्लड में होते हैं, सो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, इसलिए रिवर ऑफ लाइफ के नाम से हम ब्लड को बोलते हैं। मोस्ट न्यूमरस सेल्स इन बॉडी। अगर आपसे कोई ये पूछे कि सबसे ज्यादा ब्लड बॉडी में सेल्स कौन सी हैं, तो आरबीसी जो होती है सबसे ज्यादा बॉडी में सेल्स होती है, यानी टोटल सेल्स के कंपैरिजन में 50% सेल्स जो होती है वो हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स होती हैं। यानी सिंपली तौर पे हम ये कह सकते हैं हर सेकंड सेल जो होती है वो हमारे पास आरबीसी होती है। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है
जिसको हमने कंप्लीट किया है। मैं फिर से आपको यही बात बोलता हूँ कि इट इज सो इम्पोर्टेंट लेक्चर, इसके अंदर बहुत ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंसी रखती है। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा ये लेक्चर था, इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लोगों के इसके बारे में बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।